नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संजीवनी बूटी में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक आसान सा नुस्खा जिससे आप अपने शरीर के अनचाहे बालों को हटा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके जो कि आपके घर में ही आसानी से उपलब्ध है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए होगा कोलगेट और एवरयूथ। एवरयूथ की गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क वाली क्रीम आपको लेनी है, और इसके अलावा आपको चाहिए होगा घर में ही इस्तेमाल करने वाला कोलगेट। इसमें हम डालेंगे कुछ और घरेलू नुस्खे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए बनाते हैं ये नुस्खा। सबसे पहले एक साफ कटोरी में हम डालेंगे ये एवरयूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। दोस्तों देख लीजिए कि आपको इसमें कितनी क्वांटिटी में ये मास्क डालना है। हम इसमें करीब एक चम्मच इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको इसमें डालना है कोलगेट। अब आप पूछेंगे कि हमने इसमें कोलगेट का इस्तेमाल क्यों किया है। दोस्तों कोलगेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जिन लोगों की स्किन पर अगर किसी भी तरह का दाग होता है पिंपल की वजह से, एक्ने की वजह से, तो कोलगेट का इस्तेमाल करके उस दाग को निकाला जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि कोलगेट का इस्तेमाल आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये छोटे वाले मटर के दाने जितना कोलगेट का इस्तेमाल करके आपको इसे इसमें मिलाना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब आपको इसमें इतनी क्वांटिटी में हल्दी डालनी है। दोस्तों इस क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब ये मिक्सचर बन जाएगा और इसका इफेक्ट तभी होगा जब आप इसका इस्तेमाल इसी क्वांटिटी में करें। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन का इस्तेमाल आपको करना है आधा चम्मच। आधा चम्मच बेसन इसमें डालने के बाद इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बेसन मिलाने की वजह से इसमें छोटे छोटे लम्प्स हो जाते हैं जो कि चम्मच से सही से निकलते नहीं है। तो दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल आप अपने नीचे के बालों को हटाने के लिए भी कर सकते हैं। ये लड़के और लड़कियां सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसे आप किस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको इसकी इस तरह से क्वांटिटी लेनी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसे उस जगह पर लगाएं जहाँ के अनचाहे बाल आप हटाना चाहते हैं। इसे अच्छे तरह से पेस्ट की तरह आपको पूरी स्किन को कवर करना है। अब आपको इसे कम से कम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये सूख जाए तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे किस तरह से उतारना है। तो दोस्तों देखिए, जो नुस्खा हमने अपने हाथों पर लगाया था अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको इसे किस तरह से उतारना है। आप इसे इस तरह से उतारिए और आप देखेंगे कि साथ में अनचाहे बाल भी इस नुस्खे के साथ निकल रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि जिस हिस्से पर से मैंने इसको निकाल दिया है वहां के बाल सब हट चुके हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर भी कर सकते हैं, और आप अपने नीचे के बालों को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को लगाने के बाद आपकी स्किन पहले से ज़्यादा शाइन करने लग जाएगी। तो दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए, और हमें भी ज़रूर बताइए कि आपको इसका लाभ मिला या नहीं। आपके कमेंट्स हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह के और नुस्खों के लिए देखते रहें संजीवनी बूटी।